गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 2 तारीख दिन वीरवार केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं फल मंडी में, जानेंगे किस फल का कितना अराइवल है मंडी के अंदर और क्या बाजार चला है। कल परसों के मुकाबले जो है बाजार में कुछ तेजी देखने को मिला है या बाजार डाउन है। होली फेस्टिवल भी जो है आने वाला है, काफ़ी लोग जो है गाँव जाना स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी लोग जो है जाने वाले हैं, तो बाजार का क्या माहौल रहने वाला है, क्या स्थिति रहने वाला है, ये सारे जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों उससे पहले एक बात आप सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप मंडी की वीडियो में प्यार दिखाते हो उसी तरह जो है दोस्तों मैं नर्सरी का वीडियो बना रहा हूँ, प्लांट नर्सरी का जो पौधे वगैरह हैं उसका रेट बताता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों जिस तरह इस वीडियो में प्यार दिखाते हो उसी तरह जो है उन वीडियो में भी प्यार दिखाओ, आप सभी का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है जी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। दोस्तों शॉप नंबर 158 सर के पास जो ये एमपी वाला संतरा है जी, ये 205 दाना है। ये बाकी साइज लेंगे, अलग अलग साइज है, अलग अलग मतलब रेट है इन सबका और वजन करके मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। ये गाड़ी लगा दी सर के पास, बाकी जान लेंगे संतरा के अलावा और कोई सा फ्रूट भी आया था और या फिर ओनली संतरा है जी। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का अगर अराइवल का बात करें फ्रेश गाड़ी जो है संतरे का कितना अराइवल है जी? आज 4 गाड़ी है बस। अच्छा जी, ये अपना नागपुर और एमपी वाला मिला करके या नागपुर अलग है जी? हाँ नागपुर के मिला के 5 है, एक नागपुर की है। अच्छा जी, और 4 जो एमपी की है। एमपी की है। तो सर जी अभी डिमांड कैसा देखने को मिल रहा है, होली जो है नियर बाय आने वाला है, कम चल रही है अभी? अच्छा जी, ग्राहकी भी मंडी के अंदर बहुत कम देखने को मिला, चाहे मतलब पूरा मंडी में ही नजर मारा जाए तो ग्राहक कम ही है जी। कम है बहुत। तो सर अभी जो है अभी भी जो है होली का 4-5 दिन बाकी है, तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा आगे सर? अभी थोड़ा सा होली तक तो चलेगा मंदा। अच्छा जी। तो इससे भी मंदा आगे मतलब जैसे जैसे हाँ, एक दो दिन और अभी मंदा रहेगा, होली तक मंदा रहेगा। अच्छा जी, तो क्या रेट खुला सर आम दिनों के मुकाबले जो है बाजार आज संतरे का तेज रहा है या फिर 3-4 मंदा ही है, 50-55 बिक रहा है मोटा माल देख लो। अच्छा जी, साइज कौन सा सर जी? साइज कौन सा? ये 96 दाना। 96 दाना। क्या रेट बिका सर जी? 50 रूपए। 50 रूपए। इससे पहले क्या रेट बिका था सर? ये बिक रहा है, उससे पहले 55 बिक गया था, 50 बिक रहा है। अच्छा, 4-5 रूपए डाउन है जी। और ये वाला सर 205? 205 33 रूपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी, और ये वाला कौन सा साइज है सर? ये 41 दाना है, 50-52 रूपए। अच्छा जी, और 71 क्या रेट बिका सर जी? 71 40 रूपए का है। 40 रूपए का। और सर इसके अलावा और भी कोई फ्रूट आया जी? अंगूर हो गया, अंगूर आया। अच्छा जी, 500 रूपए क्रेट। 500 रूपए क्रेट। दोस्तों वजन जो है अंगूर के क्रेट में आपको 10 किलो मिलेगा जी, और बाकी जानते हैं किस राज्य का सर जी? नासिक वाला है, सोलापुर वाला नहीं, है? सोलापुर है। सोलापुर है। अच्छा जी, तो बाजार फिर इसका डाउन हो गया? हाँ डाउन ही है, अंगूर का डाउन ही है बाजार। अच्छा आगे 500 में नहीं बिक रहा, ऐसे ग्राहक खड़े हैं देखो, चोर 400 रूपए मांग रहे हैं। अच्छा जी, आगे और भी ज्यादा डाउन देखने को मिलेगा या फिर क्या? नहीं नहीं, इससे डाउन कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, 500 रूपए स्टेबल हो जाएगा। और सर जी अमरुद भी आया जी अपने आरत पे? नहीं अमरूद नहीं है, अमरूद अब एंड हो चुका। अमरूद एंड हो गया। अच्छा, और आरत पे जो है सर जी संतरा कितने महीने आएगा जी? अभी चलेगा 1.5 महीना। 1-1.5 महीना चलेगा जी। सर इस बार जो संतरे का शॉर्टेज है आगे या फिर क्या है? शॉर्टेज ही है, महंगा भी है, शॉर्टेज भी है। अच्छा जी, सर जी एक बार आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। आरत नंबर 158 है, मोबाइल नंबर 9213873528। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों शॉप नंबर 111 सर के पास भी जो है अंगूर आया जी, अंगूर का क्वालिटी दिखा देता हूँ आप सभी को किस तरह का क्वालिटी है इनके पास, देखो। बाकी आज जो है मंडी के अंदर ग्राहक भी बहुत कम है और माल भी बहुत कम है, बाकी सर से जानेंगे अंगूर का जो है आज कितना अराइवल रहा मंडी के अंदर और किस किस जगह का माल था। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्ते भैया। सर जी आज जो है सोलापुर नासिक का मतलब कितना माल आया जी? कम माल, कम है, महंगाई थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, माल कम है। अच्छा, भी कम है, माल भी कम है, होलियों में सब चलेंगे घर। अच्छा जी, ग्राहक भी नहीं दिख रहे जी मंडी के अंदर, पूरा खाली खाली नजर आ रहा है। जो अंगूर 600 का बिकना चाहिए वो मांग रहे 400 रूपए। अच्छा जी, कई आरत पे माल भी नहीं है जी? हाँ जी, कम है माल। हाँ जी, ग्राहक ही नहीं है, सब रोज यहाँ से ट्रेन पे भर भर के जा रहे हैं बिहार। अच्छा, अब होली के बाद ही मतलब 10 तारीख के बाद ही खुलेगा माल? हाँ जी भाई। अच्छा सर जी, आज का क्या बाजार रहा जी? जो बढ़िया एकदम टॉप क्लास अंगूर था, बढ़िया अंगूर 550। अच्छा जी, 500। अच्छा, और हल्के अंगूर जो गोल अंगूर है 400-450। अच्छा जी जी, गोल कौन सा? ये अपना नासिक वाला जी? हाँ जी। हाँ जी। और लंबे वाला जो अपना सोलापुर आता है उसका 500 से लेकर 550। अच्छा जी,
और वजन जो है इसमें वजन भाई जी 10 किलो 300 ग्राम, 10 किलो 400 ग्राम, अच्छा 10 किलो मान के चलो 9 किलो अंगूर निकलता। अच्छा जी, क्रेट समय 10 किलो से लेकर के 300 ग्राम तक रहता है जी भैया। माल माल इसमें 9 किलो था, माल माल 9 किलो, 9 किलो 100 ग्राम, 9 किलो 200 ग्राम, अच्छा ऐसे करके निकलता। तो सर जी अपने आरत पे ये अंगूर जो है और कितना दिन चलेगा? ये तो और चलेगा जब तक ये अंगूर आता रहेगा चलता रहेगा। अच्छा, कम से कम 1.5 महीना। 1.5 महीना चलता रहेगा जी भैया, चाहे आए कम ज्यादा चलता रहेगा। अच्छा, आज अराइवल वैसे कितना रहा सर? लगभग कम से कम मान लीजिए ज्यादा ज्यादा 3000 क्रेट आएगा मंडी बस। अच्छा जी, 3000 क्रेट आ गया होगा। अच्छा, कम आया है 10-10 हजार आते थे। अच्छा, कम है माल? कम है जी। अच्छा, तो सर जी आगे जो अपने पास और कौन कौन सा फ्रूट देखने को मिलेगा और कितने दिन बाद? अब तरबूज शुरू हो जाएगा भाई जी, खरबूजा शुरू हो जाएगा। अच्छा, केला शुरू हो जाएगा। अच्छा जी भी। और इसी के बीच में ये भी बिकता रहेगा? ये चलता रहेगा। अच्छा सर जी, एक बार जो आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। शॉप नंबर 111, मोबाइल नंबर 9999921200। धन्यवाद सर, थैंक यू भाई जी। दोस्तों विक्की भाई के आरत पे जो है ये नागपुर वाला संतरा है जी, इसका क्वालिटी जो है हरेपन में देखने को मिल रहा है जी, और ये इसी तरह जो है मतलब हरेपन में ही और पीलेपन में ही होता होता एंड हो जाता है जी माल। और इनके आरत पे ये अमरूद भी आया जी, ये बॉक्स वाला, क्वालिटी देख सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पे जो है छटाई करके जो है क्रेटों में भरा जा रहा है गाड़ी पर से माल, देख सकते हैं इसका क्वालिटी। दोस्तों विक्की भाई के आरत पे जो है अपना व्यापारी भाई साहब आए हैं जी, सबसे पहले इन्हीं से जानकारी लेते हैं उधर पीछे जंगलों का क्या सिचुएशन है और इधर मंडी को क्या सिचुएशन देखने को मिल रहा है जी मंडी में। भाई साहब देखो, नागपुर के जो संतरे हैं, हाँ जी, महाराष्ट्र के जी, वे 40 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए तक के हैं। अच्छा, बगीचे में। अच्छा जी, जितने पेड़, एक पेड़ पे जो पूरा फल आता पूरा हमारा है। अच्छा जी, सिर्फ ये धूप जली का निकलता है या कटा हुआ दागी निकलता है। अच्छा, धूप जली क्या होता है सर? धूप जली ये होता है, धूप जली, ये धूप जली जो धूप से जल जाता है। अच्छा जी, ये जो मतलब पीला साइड में पड़ा और बाकी जो नहीं, नहीं, ये एक ही साइड में, ये धूप जली का होता है। अच्छा, ये धूप जली बोलते हैं जी, जो धूप से जल जाता है। हाँ हाँ। अच्छा जी, ये निकालता बस किसान। अच्छा, नहीं तो गोली पोली सब है ना, ये समझो 50 रुपए, 40 रुपए से 50 रुपए तक के रेट है माल। अच्छा, मतलब वो हुक्का बेच रहे हैं गोल, जो माल आया पेड़ से सीधा, मतलब वो सारा हमारा हटा करके वो सारा आपका। जी जी, छोटा बड़ा साइज जो भी हो। अच्छा जी, और यहाँ भी लेके 30 रुपए किलो से समझो नागपुर के 60 रुपए तक के बाजार है। अच्छा जी, लेके 30 रुपए से 60 रुपए तक के। तो अपना जो है मतलब सर इस बार जो है किसान भाइयों के लिए कुछ सुविधा है या फिर उनका नुकसान जा रहा है, और व्यापारी भाइयों का क्या हो रहा है जी? नहीं नहीं, इस टाइम किसानों को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, और व्यापारी भाइयों के लिए? व्यापारी भाइयों को मंडी बोल नहीं रही है, मंडियों में रेट मंदे है, बाजार चल ही नहीं रहा। अच्छा जी, मतलब बाजार में रेट डाउन है। व्यापारी भाई जो हमारे लेकर के आ रहे हैं मंडी के अंदर किसान भाइयों से, तो मतलब किसान का तो फिर भी ठीक ठाक बन रहा है? बहुत बढ़िया। व्यापारी का मतलब टूट रहा है इधर? टूटा, 2 गाड़ी में मुझे 1.5 लाख रुपए घटे हैं। अच्छा जी, 2 गाड़ी मैंने लगाई है 500 करेट होगी। अच्छा, एक में 600 करेट आई थी, एक में 500। अच्छा जी, तो अब मतलब क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से, राय क्या होना चाहिए? हिसाब से ये होना चाहिए कि बाजार उठना चाहिए, या तो वहाँ रेट कम होना चाहिए फिर जंगल में। अच्छा जी, या यह मंडी उठनी चाहिए। अच्छा जी, तो सर अभी होली का भी माहौल है, होली के माहौल में सर ग्राहक ही बहुत कम है जी। हाँ, होली के टाइम पे भी देखो बिल्कुल ग्राहक कम है मंडी के अंदर जी। तो क्या पता सर अभी संतरा ये कितने दिन चलेगा जी? वैसे ये संतरा तो पूरा मार्च चलेगा। पूरा मार्च चलेगा? पूरा मार्च। अच्छा जी, क्या पता सर होली के बाद थोड़ा बाजार? हाँ देखो, होली के बाद पता लगेगा, एक हफ्ते बाद जी, 10 मार्च के बाद ही रेट हो सकता है, अगर हो सकता है। बिल्कुल सर, अभी फिलहाल कोई रेट नहीं है। अच्छा जी, और सर जी अगर बात करें इसमें अगर रस और छिलके का, तो जो नागपुर का जो संतरा है जी, सॉरी एमपी वाला जो संतरा है, ये नागपुर का है। हाँ, ये तो नागपुर का जो एमपी वाला संतरा है उसके मुकाबले इसका कैसा रहता है? नागपुर का जो महाराष्ट्र का जो नागपुर का संतरा है ना, ये मीठा होता है और गोल बारीक छिलके के होते हैं, और जो एमपी के संतरे है उसमें खटास होता है। अच्छा जी, वो लंबी चोंच वाले होते हैं। अच्छा जी, कोई बोल रहे हैं जी एमपी वाला मतलब बेटर होता है, उसमें ज्यादा रस भी होता है और पतला छिलका होता है? नहीं, एमपी के, एमपी से तो हमेशा लाइन का संतरा बढ़िया होता है। अच्छा जी, नागपुर का संतरा तो हमेशा बढ़िया होता है। अच्छा, इससे बेहतर कोई नहीं होता। और सर इसका कलर जो ऐसा ही रहता है ग्रीन, या फिर इसमें अभी येलो नस आएगा जी? नहीं, ये स्टार्टिंग है ना इसकी अभी। अच्छा जी, ये 10 मार्च के बाद में कलर खिलने लगेगा इसका। अच्छा, 10 मार्च पीला होने लगेगा। अच्छा, एमपी का जो आ रहा है वो पीला आ रहा है, वो पहले चल जाता है ना, ये बाद में चलता है। अच्छा, तो ये मतलब 1-2 महीना खींचेगा जी ये? हाँ, पूरा मार्च के बाद भी चलेगा ये। अच्छा, अप्रैल तक चल जाएगा? अप्रैल, ये अप्रैल तक भी पकड़ेगा ये संतरा। अच्छा, तो सर अभी जो है अगर बागों में अगर देखा जाए इस बार फसल कैसा रहा है जी? इधर फसल कम है, इधर नागपुर में भी और एमपी में भी। अच्छा, और राजस्थान में भी। अच्छा, फसल कमी है।
अच्छा। बल्कि संतरे की जो नागपुर में देखी जाए तो सल है 40-50%। अच्छा। मगर जो एमपी में राजस्थान में मैंने खुद देखा हुआ 30% ही है। अच्छा जी। बहुत कम है, मतलब शॉर्टेज रहने वाला है। हाँ। और सर ये एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर देश भी जाता है ये संतरा या क्या? बाहर हमें तो इस चीज की नॉलेज नहीं है कि बाहर विदेशों में जाता है। अच्छा। मगर हमारे हिंदुस्तान में इतना खाया जाता है कि बाहर की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी बिल्कुल। अगर बाहर भी जाता होता है, एक्सपोर्ट होता, तो इस बारे में और सर जी थोड़ा सेब का हालात बताओ जी। सेब अभी सेब में व्यापार कर रहे हो जी? हाँ जी, सेब का व्यापार कर रहे भाई साहब। अच्छा जी, ये सेब तो जैसा कि हमारे कश्मीर किसान भाइयों को इस बार बहुत नुकसान हुआ जी। नहीं, अब तो सही है कश्मीरियों को, अब तो कश्मीरियों के पैसे बन गए। अच्छा जी, अब सीए स्टोर है, बढ़िया बिक रहे हैं सीए स्टोर। अच्छा, तो सीए स्टोर सर क्या रेट खुला जी? मतलब सीए स्टोर समझो 800 से लेके 1100 तक के, 1000 रुपए तक के बिक रहे हैं। अच्छा, 800 से 1000। अच्छा जी, साइज कौन सा सर ये? ये 40 दाना है। अच्छा जी, और ये वाला? ये 50 दाना है। अच्छा जी, और मंडी में क्या रेट खुला है सर यहाँ पे? मंडी में 900-950 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, 900 से लेकर 1000 तक के। अच्छा जी, तो सर अगर देखा जाए जैसे कश्मीरी भाइयों ने पीछे काफी घाटा खाया जी। घाटा उसमें खाया जो फसल ताजी फसल चलते हुए घाटा खाया है। अच्छा, जब मंदा था, मगर अब जो जितने भी सीए स्टोर में पड़ा किसी को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, सही अच्छे पैसे मिल रहे हैं सर। किसानों में भी ऐसे किसान देखने को मिलता है जी, कई किसान बड़े होते हैं, कई किसान छोटे किसान भी होते हैं। छोटे किसान को तो मतलब सर इधर तोड़ा इधर बेचा जी। जी हाँ, तो वो तो स्टोर भी नहीं कर सकता बेचारा। वो स्टोर में बहुत आदमियों को, बेचारों को, किसानों को जगह भी नहीं मिली क्योंकि वक्त से पहले स्टोर भर दिए लोगों ने। अच्छा जी, क्योंकि फसल ज्यादा थी, वो डर की वजह से जैसे मंदा चल रहा था लोगों ने स्टोर में डाल दिया। और ये खुदा का शुक्र है, ये बेटर है कि पैसे बन रहे हैं उनके। अच्छा जी, क्योंकि सर कई किसान ऐसे हैं जो मतलब अगर स्टार्टिंग में चलो उन्होंने मार खाया तो ऐसा है कि जो जाते जाते उनको, हाँ जिन्होंने स्टोर में डाला उनके पैसे बन जाएंगे, उन्हें नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, अब तो ये पोल्यूशन है, आगे मैं कह नहीं सकता क्या पोल्यूशन। आगे रमजान आ रहे, नौरते आ रहे हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा था बेहतर ही रहेगा कि रेट बढ़ेंगे कम तो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों त्योहार जो है दोनों त्योहार साथ पड़ रहे हैं। और जो फ्रूट में भी जो मार खाया जैसे अंगूर, जैसे कि अंगूर में भी, अंगूर में भी देखो पैसे नहीं बन रहे, अंगूर में किसान को भी नुकसान है, व्यापारी को भी नुकसान है। जी जी, इस बार 450 रुपए की करेट 10 किलो की अंगूर की बिकी है, काले वाली वो भी नहीं सफेद वाली। अच्छा, काले वाला बिका 600 रुपए। सफेद वाले का तो सर आज का पोजीशन है 500 रुपए का जी, सोलापुर का। हाँ, सोलापुर का 500-550, 500 से लेकर 600। अच्छा जी, 500 से लेकर क्वालिटी के अनुसार। हाँ, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी 600 रुपए आज। अच्छा जी, तो सर इस बार तो पिछले साल के मुकाबले भी जो है रेट काफी डाउन देखने को मिला जी, फसल ज्यादा है ना। अच्छा जी, फसल मतलब ज्यादा है अभी, खटास से मिठास है भी नहीं। सेब में देखा जाए या फिर अमरूद में देखा जाए या फिर सर अंगूर में देखा जाए, पैदावार जो है इस बार डबल ही हुआ है जी। हाँ, तो रेट अमरूद में भी, संतरे की फसल कम है। अच्छा जी, फसल जो संतरे की कम है, अमरूद की भी भरपूर रही है, सेब की भरपूर रही है, और तुम्हारा जो अंगूर है इसकी भी भरपूर फसल है। अच्छा जी, तो अब आने वाले जो टाइम है सर, ये जो कश्मीर वाला सेब है अब कितने महीने बाद दोबारा चलेगा जी, थोड़ा ये बताओ। ये समझो मार्च में फूल निकल जाएगा इसमें। अच्छा, 15 मार्च के बाद फूल लगेगा उसका। अच्छा, ये समझो 4-5 महीने बाद फिर चालू हो जाएगा सेब। अच्छा, तो सर इसमें जैसे खेती टाइप का भी होता है क्या, जैसे अपना जो बगीचे है तो उसमें देखभाल होता है, सारा कुछ होता है? अच्छा, और खेती में भी जैसे आलू का खेती कर रहे लोग तो उसमें जैसे इस बार 50 बीघे लगाए, तो इस बार जैसे मान लो पैदावार ज्यादा हुआ तो लोगों ने फिर अगली बार कम कर दिया, 30 बीघे कर दिए, तो सेब में भी वैसे ही करते किसान? नहीं नहीं, सेब नहीं काटते, नहीं बगीचे नहीं काटते। अच्छा जी, वो और बढ़ोतरी और पेड़ लगाते, काटते नहीं। जो पुराना कोई पेड़ सूख गया खराब हो गया उसे तो काट के निकाल के फेंकनी है। अच्छा अच्छा, वो हम हाँ ऐसा नहीं करते। तो अभी फिलहाल किस किस चीज में व्यापार कर रहे हो सर? अब तो इस टाइम जी मैं सेब ही बेच रहा हूँ भाई साहब फिलहाल। अच्छा, सेब और संतरा? सेब कश्मीर से डायरेक्ट मंगाया है। अच्छा, ये सीए स्टोर का माल है। अच्छा, सुपियान का माल है। सुपियान का जी। और संतरे में भी कर रहे हो क्या? नहीं, संतरे का हमारे भाई कर रहे हैं, आलम भाई। अच्छा जी, अच्छा सर जी, एक बार जो आप अपना नाम और नंबर बता दो। मेरा नाम नसीबुद्दीन है, नसीबुद्दीन अंसारी, और मेरा नंबर है 99-27-19-87-49। ओके जी, शुक्रिया सर जी। एक बार थोड़ा आज मंडी का ये बता दो, सेब का जो है कितना माल आया जी मंडी के अंदर? मंडी के पास तो ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ 200-250 नग होंगे बस सेब के। अच्छा, कमी है, बिक्री भी कमी है, गाड़ी नहीं आ रहा पूरा? नहीं, गाड़ी पूरी नहीं आ रही। ये सीए स्टोर में कुछ दिल्ली से ला रहे, मेरा तो परचून में कश्मीर से आया था ये 112 डब्बे। अच्छा जी, कश्मीर से परचून की गाड़ी में, दिल्ली की गाड़ी में मंगाया, वहां से उठ के यहाँ आया आजादपुर से। शुक्रिया जी, शुक्रिया। दोस्तों, शॉप नंबर 144 भाई साहब के पास अभी जो है मिक्स फ्रूट है जी, वैसे 12 महीने आपको इनके पास पपीता मिलेगा, और बाकी शादी ब्याह के सीजन में जो है ये भर लेते हैं अपना आरत। यहाँ पे जैसे आपको तरबूज मिल जाएगा, पाइनएप्पल मिल जाएगा जी, कीवी मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा, अनार मिल जाएगा,
खरबूजा मिल जाएगा भाई साहब के पास, अंगूर काले वाला भी है और हरे वाला भी है। हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी सबसे पहले पपीते का बताओ जी, पपीते का आज क्या बाजार है? पपीते का बाजार 200 रुपए दड़ी बिका। अच्छा जी, सेम ही बाजार चल रहा है। और तरबूज का बात करें तो सर? तरबूज 18 रुपए किलो बेंगलोर। अच्छा जी, और शारदा भी है जी? शारदा 350 रुपए का डब्बा है, 7 दाना। कौन सा है जी वो भी? है संटू। संटू है। अच्छा जी, और अनार? अनार बिक रहा है 1050 रुपए का 10 किलो नासिक का। अच्छा जी, कितने दाने में? 12 दाना है। अच्छा जी, खरबूजा? खरबूजा बिक रहा है 400 रुपए का डब्बा। अच्छा जी, 10 किलो का। 10 किलो का। और सेब? सेब 1000 रुपए। कश्मीर? कश्मीर का 10 किलो, ये भी 2 टेम है, 60 दाना है। अच्छा जी, और कीवी सर जी? कीवी 650 रुपए की। 650 रुपए। और अंगूर काले वाला? काले वाला 700 रुपए का, वो अरे वाला 500 रुपए का। सोलापुर है? सोलापुर। अच्छा जी, सर जी अभी जो है जैसे अपना आर्थ से फ्रूटों से भरा हुआ है, पाइन एप्पल का भी एक बार रेट बता दो जी। पाइन एप्पल 65 रुपए किलो बिक रहा है। रानी? रानी पहले से 5 रुपए कम हो चुका जी। हाँ, जैसे अपना आर्थ अभी फ्रूटों से भरा हुआ है तो ये कितने दिन रहेगा? अभी रहेगा 14 तारीख तक। 14 तारीख तक। हाँ। उसके बाद फिर पपीता? उसके बाद पपीता नहीं, और भी आइटम बिकेगी, खाली 3 आइटम बंद हो जाएगी मेरे पास, सरदा तरबूज और पाइन एप्पल। अच्छा जी, बाकी आइटम चलती रहेगी। अच्छा, एक बार आरत्र नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 144 नंबर दुकान, 82 87 99 06 95। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। और एक आरत पे जो है तरबूज देखने को मिल रहा है जी, इनके पास भी जो है बेंगलोर का माल आया है। बाकी एक बार क्वालिटी चेक करा दूं आप सभी को, वीडियो के माध्यम से क्वालिटी देख सकते हैं तरबूज का, कुछ इस तरह का क्वालिटी निकल कर के आ रहा है जी। देखो बाकी जान लेंगे भाई साहब से क्या बाजार चला है और क्या रेट खुला जी गाड़ी का। हाँ जी भाई साहब जी, अपने पास जो ये तरबूज का गाड़ी लगाया जी, ये कहाँ का है और क्या रेट खुला जी? ये बेंगलोर का भाई, रेट 15 रुपए खुला है आज का। अच्छा जी, बाजार कैसा देखने को मिला सवेरे से सर? आज ही गाड़ी लगाया? बाजार आज हल्का ही है। अच्छा जी, आरत नंबर पहले बता दो जी, अपना आरत नंबर कितना है सर? 221। 221, तो ये अपने पास कंटिन्यू आते रहेगा क्योंकि मार्केट में जो है सर कंटिन्यू नहीं आ रहा है, सीजन वाइज कंटिन्यू आएगा। अच्छा जी, नारियल और तरबूज कंटिन्यू आएगा। नारियल तो सर एक साल हो चुका जी, मतलब आ ही नहीं रहा अपने मंडी में। अब आएगा ना, मंगाने गए थे, अब आएगा, अब चालू हो जाएगा। अच्छा जी, कब से हो जाएगा? अब एक आध दिन में गाड़ी आ जाएगी। अच्छा जी, तो तरबूज अपने आरत पे कहाँ कहाँ का देखने को मिलेगा जी? बेंगलोर लोकल अपना आएगा। अच्छा, बेंगलोर और वाला यूपी का, बेंगलोर गुजरात। अच्छा जी सर जी, एक बार जो आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। आरत नंबर 221 है, नाम जाकिर है। अच्छा जी, 9910885611 मोबाइल नंबर। सर जी, कस्टमर को कम से कम कितना लेना पड़ेगा जी आरत पे से, कितना मिलेगा? आरत पे तो कम से कम 50 किलो। अच्छा जी, उससे ऊपर कितना ही लो। अच्छा जी, मतलब इस तरह के कट्टे में भर के दोगे? इस तरह कट्टे में। अच्छा, ये पेटी वाला भी मिल जाता है अपने पास? पेटी वाला नहीं, यहाँ पेटी की डिमांड नहीं है। अच्छा जी, ये कट्टे में जाएगा जी? हमारी मंडी में पेटी की डिमांड नहीं है। ओके, थैंक यू। कट्टे में ही बिकता है। दोस्तों जान लेंगे आज का गन्ने का बाजार जी, आज का क्या भाव रहा गन्ने का और किस किस राज्य से इस समय जो है गन्ना आ रहा है और कौन सा साइज है जी। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी अभी जो है फिलहाल मंडी के अंदर गन्ना किस किस राज्य से आ रहा है जी और कौन सा साइज है सर? यूपी हरियाणा से आ रहा है जी। अच्छा जी, तो सर कौन सा है, 0.0 कितना है जी? ये 0.36 है। अच्छा जी, अच्छा जी, और हरियाणा वाला? और यूपी 38 है, यूपी 38 भी है। अच्छा जी, यूपी 36 और 38 दोनों आ रहा है जी। और हरियाणा का सर? हरियाणा का भी है। अच्छा, उसका कौन सा साइज है जी? हरियाणा वाले का है 8 फीट। अच्छा जी, यूपी वाले का है 7 फीट। अच्छा जी, और सर जी अगर भाव का बात करें बाजार क्या चला जी आज? यूपी वाला 650 रुपए, हरियाणा वाला 600 रुपए। अच्छा जी, तो बाजार आगे और भी तेज होगा या फिर यही चलेगा? तेज होगा। आगे तेज होगा। इस बार जो है सर फसल कैसा देखने को मिला, पिछले साल से डबल है या फिर कम है जी? फसल कम है। इस बार जो है कम है, मतलब इस साल कुछ सुधार देखने को मिलेगा रेटों में। अच्छा जी, एक बार सर जी आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। नंबर 144। ओके जी, धन्यवाद सर जी।